हेलो गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज का इस वीडियो में आपको बताना है, तय करके आपको कमेंट करके बताना है, अपनी चोट से बताना है क्या एक बेटी गलत हो सकती है, क्या एक बाप के लिए एक बेटी गलत हो सकती है कि बेटी ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत हो जाती है, पापा मुझे मार डालेंगे, पापा से मुझे बचाओ, ये सब कहे हैं एक लड़की ने। और उनके जो वीडियो वायरल हुए हैं आपने ज़रूर देखे होंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आपके पास नहीं आए होंगे तो हम आपको वो वीडियो पहले दिखा देते हैं, वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आपको उसके पीछे की कहानी बताते हैं। बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा जो कि बरेली उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी एक लड़की है साक्षी नाम की, उसने अजीत लड़की नाम जो दलित बताया जा रहा है उससे शादी की थी, उसके बाद में ये वीडियो वायरल किया था और वीडियो में बताया था कि उसके पापा से बचाओ, पापा मुझे मार डालेंगे, मेरे पीछे गुंडे छोड़ रहे हैं। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर मैं आगे आपको उसकी कहानी बताता हूँ। मैं साक्षी और ये मेरे हस्बैंड अभी, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और अब मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। और बस मैं बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें। थैंक यू। ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि जो लोग पीछे लगे हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं, स्पेशली मेरे पापा के फ्रेंड्स जस्ट लाइक राजीव कोई है और उनके साथ भी लोग हैं, बहुत सारे काफी लोग थे, काफी लोग। हाँ, हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो लोग, उन लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का, वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीजन है, और वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते हैं। तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं मित्रों कि हम लोग की जान बच जाए और हम लोग सेफ रहे। हाँ। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर ये हम वीडियो हाथ बनाने आ गए तो वो पक्का हमें मार देंगे, पक्का, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बरेली के वासी तो जानते ही हैं माननीय विधायक जी को। ठीक है, बस यही बात कहनी थी हमें, और कोई बात हो आपकी तो आप कह सकते हैं। नहीं, और कुछ नहीं, बस। चलिए, थैंक यू। तो आपने वीडियो तो देख लिया होगा, अभी आप मन में सोच रहे होंगे कि इसमें जो बेटी बोल रही है वो आरोप सही है या फिर जो पिता बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो जैसे ही डाला साक्षी ने और अजीत ने तो वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो गया था और वायरल होने के बाद में ये पूरे इंडिया में फैल गया और सब इस लड़की के पक्ष में आने लगे। इसके बाद में मीडिया में ऐसे लगते जैसे खबरों की बाढ़ आ गई हो। आपने हर चैनल पे, हर टीवी पे देखा होगा कि साक्षी को बुलाया जा रहा है और उनके पति अजीत, जो अजीत तेज है, उसको बुला के अब यहाँ पे अपनी जो उनके पापा हैं उनकी करतूतें सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि जिनके पापा हैं, जिनकी मम्मी है जिस लड़की की, उस पर क्या बीत रही होगी, उनकी घर की क्या हालत होगी, आप सोच भी नहीं सकते। आप एक मीडिया की रिपोर्ट से खबर ये आ रही है कि उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब है कि वो दवाई तक नहीं ले पा रही है। आखिर क्यों, एक माँ की क्या गलती थी इसमें, एक बेटी को बड़ा किया, यही गलती की माने, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में ये लड़की आरोप लगा रही है कि मुझे घर पे बांध के मारा जाता था, मुझे फोन हाथ में नहीं दिया जाता था, ऐसा किया जाता था, जो कि आरोप लगा रही है, इससे माँ को बहुत ही ठेस पहुँची है और वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है और समय पर दवाई नहीं ले आ रही है। दूसरी तरफ मीडिया उसको बड़ा चढ़ा के पेश कर रही है, हर जगह साक्षी को बुलाकर उन पापा की फोन लगाया जा रहा, बार बार उनको परेशान करके बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है कि आपको खतरा है या नहीं। तो इसके बाद जो विधायक हैं जिसका नाम है राजेश मिश्रा और पप्पू भरतोल, उन्होंने अपने बयान में साफ कर दिया कि मैंने, मेरी तरफ से साक्षी को कोई भी खतरा नहीं है और मैंने कोई गुंडे उनके पीछे नहीं छोड़े हैं और वो अपने जहाँ भी रहे खुश रहे। हालांकि उन्होंने अपनाने से अभी तक इनकार किया है, वो नहीं चाहते अभी तक उनके पास कि वापस वो घर आए। और ये बात एक अहम है कि साक्षी ने आप भी थी जिसे मीडिया पे सुना रही है, जहाँ भी मीडिया पे जा रही है एक ही सुना रही है कि उनके साथ में सलूक किया जाता था और कैसे उसके भाई को छूट दी जाती थी। और साक्षी ने बताया कि जिस प्रकार मेरे भाई को सारी छूट दी जाती थी वो मुझे कभी नहीं दी गई, मेरी माँ ने भी मेरे पिताजी के बारे में, पिताजी में गलत गलत चीज़ें बताई, इसके बाद ऐसी बातों से मेरी हिम्मत बढ़ गई और वही करने लगी जिसका डर ये लोग दिखाते थे। साक्षी ने बताया कि जब मैं अजीत से बात करती थी तो इससे पहले जानकारी मेरे भाई को लगी और मेरा भाई मुझे मारता था और मैं इस वीडियो इसलिए पोस्ट किया कि ताकि मैं इन लोगों से बच सकूँ।
और इसके बाद में जो भी आरोप लगाए हैं इतने भयानक आरोप है घर वालों पे। दूसरी तरफ बाप का बयान आया है कि हमें इस प्रकार की कोई भी तकलीफ लड़की को नहीं देते थे और ये लड़की अभी मर्जी से शादी की है तो वो खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे। लेकिन इसमें सवाल ये उठ रहा है कि वो जो लड़का है वो दलित जाति का है और दलित जाति का लड़के से शादी किया तो उनके घर की जो नाक है वो कट गई है और इसी कारण एक पप्पू भड़ताल जो कि विधायक होने के नाते ये सब पिता होने के नाते ये सब करने में लगे हैं। और इस मामले में एक नया मोड़ भी आया है और ये मामला जो नया मोड़ है सबकी एकदम खुलासा जो हुआ है वो सनसनी खुलासा हो सकता है और इस पर साक्षी का अभी तक बयान नहीं आया है क्योंकि जो साक्षी के जो पति है जाके बताया जा रहा है जो कि अजितेश नाम बताया जा रहा है जो कि उनके पति बताए जा रहे हैं, उनका एक जांच में सामने आया था। घर वालों ने दावा किया है कि ये लड़का हमारी लड़की से सगाई हुई थी इसकी, ये एक मामला ताज़ा आया है। जब इसकी पुष्टि की गई तो ये सच साबित हुई क्योंकि जो इनके अजीत जो लड़का है उसने दूसरे परिवार से सगाई कर दी थी और बात शादी तक आ गई थी, लेकिन अचानक दहेज के मामले में दहेज ज़्यादा मांगने के कारण वो साथ सगाई थी वो टूट गई। इसके बाद में वो साक्षी के संपर्क में आया और दोनों के बीच में लव स्टोरी बनी और आज ये कंडीशन है कि पूरी मीडिया साक्षी को लेकर खड़ी है और दूसरी तरफ वो अपने घर वालों से इतना खतरा बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी सुरक्षा के लिए। तो अभी आप क्या सोच रहे होंगे इसमें, क्या एक माँ बाप की गलती है या फिर बेटी जो आरोप लगा रही है वो सही है, क्या माँ बाप ऐसा सलूक करते हैं किसी के साथ में, आप हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी तरफ जो कि साक्षी और उनके पति का दावा है कि उन्होंने मंदिर में शादी की थी लेकिन जब मीडिया वहां पहुंची तो वहां के जो महंत थे वहां के महाराज थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे मंदिर में ऐसी कोई शादी होती ही नहीं है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या कि वो शादी के जो सर्टिफिकेट बनाए गए हैं क्या वो फर्जी है या फिर वहाँ के जो महंत हैं वो झूठ बोल रहे हैं, और वो तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा कि मेरे जो यहाँ पे जो मंदिर है मेरे मंदिर का नाम खराब किया जा रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी शादी वादी नहीं होती है। तो ये मानने आ रहा है कि जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं ये दोनों वो सही है या नहीं, तो आप अपना जो राय है एक बार ज़रूर दीजिएगा इसके बारे में। जब कुछ खुदरा खुलासा होगा क्या साक्षी के घर वाले उनको अपनाते हैं या फिर कुछ दूसरा मामला आते हैं, क्योंकि मीडिया यहाँ पे लगातार खबरें बता रही है और इतने बड़ा चढ़ा के बता रही है। यदि एक जवान के बारे में ऐसी खबरें जन शहीद हो जाता है तो इस खबरें एक दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक साक्षी के लिए लगातार खबरें बताई जा रही है। आप हर दिन देखोगे, हर चैनल पर देखोगे, आपको यही खबर मिलेगी। अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद दोस्तों।